भाई, इसका आवाज सुन लिए ना भाई कैसा है। कैसे हैं, वेलकम है हमारे चैनल पे। तो भैया आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाला है। वैसे आप सबने छोटा सा इंट्रो देखा होंगे, ये क्या धमाका होने वाला है। तो जी हाँ, बहुत बड़ा धमाका है। और भैया आज की वैसा ऐसा बाइक दिखाएंगे ना जो भैया आपको पूरा बिहार में नहीं दिखेगा, बिहार में बस एक ही जगह दिखेगा, वह है पटना। और पटना कहाँ, तो भाई शोरूम का नाम देख लो, XLR8। भैया पटना का मतलब नंबर वन ये शोरूम है। यहाँ पे BMW, होंडा का, कावासाकी, KTM, मतलब भैया सारे यहाँ प्रीमियम सेगमेंट का बाइक मिलेगा। प्राइस क्या होगा, प्राइस जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चलिए बिना टाइम के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सारे बाइक की प्राइस क्या प्राइस होगा और क्या देखकर आपको लेना होगा। तो आइए, कैसे हो भाई, वेलकम है हमारे चैनल पे। ये बताओ, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हुआ है भाई, तो क्या कुछ धमाका है क्या? धमाका तो है हमारे पास, क्योंकि पुराने वाले स्टॉक्स हमने सेल आउट कर दिया और हमारे पास कुछ कुछ नए ऐसे स्टॉक्स आए जो दिल को छू जाएंगे। मतलब क्या बात है भाई जी। तो भाई दिल छू देने वाला आज भैया बाइक दिखाएंगे। और भाई ये बताओ, आज की वीडियो में स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप? स्टार्टिंग हम लोग पहले एप्रिलिया स्कूटी से करेंगे, पीछे से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से वहां तक बस धमाका ही है, धमाका तो उसको है। हम लोग सस्पेंस में रखेंगे। चलिए तो भैया आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2020 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मात्र 15,000 किलोमीटर समथिंग चली हुई है। ये गाड़ी है एप्रिलिया SR150, 150cc की रेसिंग स्कूटर है। इसका प्राइस जाने वाला है 55,000 रूपए, मात्र 55,000। उसमें भी हम लोग कम कर देंगे अगर आपके थ्रू कोई आता है तो। चलिए ओके, और भी कुछ कम हो जाएगा। वैसे इसकी प्राइस 55,000 रुपया है। बढ़ते नेक्स्ट मॉडल में, इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट हमारा होने वाला हीरो एक्सपल्स। अगर आपको पहाड़ों में, वादियों में घूमने का शौक है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। ये 2022 का मॉडल है, 6,000-7,000 किलोमीटर समथिंग रन है गाड़ी। ओवरऑल सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। और इस गाड़ी का प्राइस रखा हम लोगों ने 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपया, चलिए भाई 1,10,000 दीजिए, लेकर जाइए। बहुत लोग ऐसा डिमांड करते हैं कि भाई फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस भी हमारे पास अवेलेबल है, IDFC से हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है। 30% डाउन पेमेंट दीजिए और कोई भी गाड़ी अपने घर लेकर के जाइए। लो भाई, तो 30% डाउन पेमेंट कीजिए, कोई भी बाइक लेकर जाइए। तो भैया इसके बारे में बात हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल में। बाइक को भी घूमने के लिए लोग ट्रैवल के लिए यूज करते हैं, बेसिकली जो दोनों जो बाइक है उनका ऑफ रोडिंग का ही पर्पस है। बिल्कुल। तो ये KTM की गाड़ी है, KTM एडवेंचर 390। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने नाम सुना होगा शायद। बिल्कुल। तो ये गाड़ी है 2020 की, इसका रेट रखा है हम लोगों ने 2,50,000, फर्स्ट ओनर, पटना नंबर। चलिए भैया 2,50,000 रुपया, गाड़ी का एक बार लुक दिखा दो भाई। टायर की बात करें तो आप टायर में देख सकते हो काफी बढ़िया है, चलने वाला है। और इधर देख लो इंजन में दिखा दो, इंजन में कोई ऐसा काम वाम तो नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई गाड़ी में काम नहीं मिलेगा, कोई काम वाम नहीं है। तो काफी अच्छी कंडीशन में है, आ जाओ भाई लेकर जाओ। और बाइक लेने में क्या क्या ऐसा कुछ ऑफर भी देंगे क्या? ऑफर देखिए, अगर अभी तो फिलहाल हम लोगों ने ऑफर शुरू किया था कि आप कोई भी सुपर बाइक लीजिए तो एक GoPro फ्री दे रहे थे, लेकिन अभी ऑफर नहीं है, तो हो सकता आने वाले टाइम में हम लोग ऑफर और अच्छा देंगे। चलो भैया, तो हेलमेट वगैरह तो सबको देते हैं हम लोग, GoPro दे रहे हैं। इसके बारे में बात हो गया, बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट मॉडल में, ड्यूक की तरफ, इसके बारे में बताइए। ये ड्यूक 125 है, 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पटना नंबर गाड़ी है। ये मात्र चली हुई है 20,000 किलोमीटर के आसपास, और इसका प्राइस हम लोगों ने ज्यादा नहीं रखा है। इसका प्राइस जाने वाला है 1,10,000 रुपए, मात्र 1,10,000 रुपया, 2020 मॉडल जी, पटना नंबर जी। चलिए पटना नंबर आइए लेकर जाइए, 125 ड्यूक का ड्यूक हो जाएगा और माइलेज का माइलेज हो जाएगा, माइलेज का माइलेज हो जाएगा। अब इसको भैया पाने के लिए मात्र आपको 30% डाउन पेमेंट करना होगा, आप भैया इसको पा सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात हो गया, अब बढ़ते हैं सबसे महान या सबसे दादा बोल सकते हो, रॉयल एनफील्ड। बहुत लोग डिमांड करते हैं भाई। ये रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 है। हाँ जी। 2019 का मॉडल है, 6,000 किलोमीटर रन है गाड़ी, पटना नंबर है, फर्स्ट ओनर। इसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 2,40,000 रुपए आस्किंग। ओहो, गाड़ी चला कितना हुआ? गाड़ी चली हुई 6,000-7,000 के आसपास, 6,000-7,000 समथिंग चला हुआ है। बाकी गाड़ी का आप लुक देख रहे हो कैसा मेंटेन में है, काफी अच्छी मेंटेन में है। और ऐसा गाड़ी ले जाने के बाद आपको कोई ऐसा काम वाम नहीं करवाना होगा, ठीक है? फुल ओके, सब ओके मिलेगा भाई, ठीक है? पेपर की बात करें, पेपर भी ओके मिलेगा, पेपर वर्क सारा डन मिलेगा, सब डन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लेकर जाइए, चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, ओहो क्या बात है भाई,
ये हमारे पास हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750A है। 2019 की गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है, पटना रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसका प्राइस जाने वाला है 4 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, प्राइस में कम बेश हो जाएगा। अब गाड़ी का लुक देख रहे हो भाई कैसा है, अब गाड़ी का पूरा भाई बढ़िया से लुक दिखा दो, गाड़ी कैसा दिखने में है। और वैसा भाई कोई भी इस गाड़ी के बारे में जानकारी अगर छूट गया हो तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो भाई मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूँ। चलिए इसके बारे में बात हो गया, बढ़ते हैं। ये देखो भाई जो सबसे डिमांडेड बाइक, और इसका एग्जॉस्ट दिखाओ भाई, मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं लगा हुआ है, सस्ता वाली लगा हुआ है। तो भाई ये है कब का भाई? ये गाड़ी 2020 की है। हाँ, ये गाड़ी जो है सिवान नंबर गाड़ी है, पटना की नहीं है, सिवान नंबर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 500 सीसी की गाड़ी है, ये इनलाइन 2 है, बेनेली लियोनचिनो 500 नाम है इस गाड़ी का। और इस गाड़ी का रेट हम लोगों ने ज्यादा नहीं 3,50,000 रुपए रखा है। 3,50,000, 7 से 8 लाख की गाड़ी है ये, 3.5 लाख रुपए नेगोशिएबल, इसमें भी कम हो जाएगा। चलिए भैया तो आइए लेकर जाइए, इस गाड़ी का आवाज सुनोगे ना भाई तो आपका भैया एकदम दिमाग हिल जाएगा। मैं कहूंगा भाई एक बार आवाज सुनाओ। सुना देते हैं। ये देखो भाई अभी कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मली है, ठीक है ना, नॉर्मली है। जब स्लेटर लेंगे तब देखिएगा। भाई इसका आवाज सुन लिए ना भाई कैसा है, वैसे आप सामने से आगे सुनोगे ना भाई कसम बोल रहे हैं भाई दिल जीत लेगा, बहुत सॉलिड आवाज है। आ जाओ भाई लेके जाओ। चलिए बढ़ते हैं कावासाकी, जो कि बहुत लोग डिमांड करते हैं। ये कावासाकी में कौन सा मॉडल है भाई? ये कावासाकी का ऐसा मॉडल है कि काफी सारे लोगों ने इस मॉडल को देखा नहीं होगा या जानते नहीं होंगे। ये रेट्रो मॉडल है कावासाकी का, Z650RS, निंजा 650 वाला, सेम इनलाइन 2 इंजन मिलेगा आपको इसमें। क्या बात है। और इसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 4,10,000 रुपए, पटना नंबर गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है, और ये गाड़ी है 2022 की। 2022 मॉडल। अभी इसका शोरूम प्राइस क्या आता होगा? इसका शोरूम प्राइस आपको 8,00,000 से 8,30,000 के आसपास, 8 से 8.5 लाख के बीच में वैरी करता है। चलिए अभी आप कितने में दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 4,10,000 रुपए, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। चलिए ओके। चलिए ये सब बाइक के बारे में बात हो गया, अब हम बात करते हैं जो कि बहुत लोग डिमांड करते हैं, R15 चाहिए वर्जन 4। तो लो भैया लगा के रखें, है कब का ये? ये 2022 की गाड़ी है, 20,000 किलोमीटर समथिंग के आसपास चली हुई है, फर्स्ट ओनर, पटना नंबर। का प्राइस हम लोगों ने रखा है 1,70,000 रुपए, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, इसमें भी कम हो जाएगा। चलिए भैया प्राइस 1,70,000 रुपए है, प्राइस और भी डिस्काउंट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, 2022 मॉडल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल में। ये गाड़ी R15 वर्जन 3 है, 2020 की गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 15,000 किलोमीटर के समथिंग आसपास चली हुई है। okay. इस गाड़ी का प्राइस जाने वाला है 1,40,000 रुपए, जो कि नेगोशिएबल प्राइस। चलिए भैया तो आपको वर्जन 3 वर्जन 4 सारा बाइक दिखा दिए, अब भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई शोरूम है कहाँ, तो मैं कहूंगा भाई एक बार एड्रेस बता दो ताकि लोग। शोरूम हमारा लोकेटेड है पटना में, पटना के कुर्जी रोड में। आप अगर PNM मॉल आए होंगे तो PNM मॉल के आगे लोयला स्कूल है, लोयला स्कूल पहुंच के अगर आप मुझे फोन करिए तो मैं पिक करने आ जाऊंगा, बस लोयला स्कूल के अपोजिट में मेरा शोरूम लोकेटेड है। चलो भाई तो हम लोग भैया आपको एड्रेस बता दिए कैसे आपको शोरूम पहुंचना है। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई फाइनेंस पे लेंगे, क्या आईडी प्रूफ होगा और कितना भैया कैसे क्या करना होगा, कहाँ तक फाइनेंस होगा, ये सारा डिटेल आपको अभी पता चलेगा। तो भाई एक बार मैं कहूंगा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता दो। फाइनेंस का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, IDFC फर्स्ट बैंक से हमारे पास फाइनेंस होता है। 7.75 से लेके 8.85 के बीच में ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करेगा आपका। आईडी प्रूफ कोशिश कीजिएगा कि लोकल ही रहे, अगर बाहर का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक लोकल आईडी प्रूफ आपको अटैच करना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर का अगर आप लोन करा रहे हैं तो वहां पे आपको प्रूफ में सैलरी स्लिप नहीं तो ITR दिखाना पड़ेगा। 1 लाख के अंदर का लोन ऐसे ही हो जाएगा, वहां प्रूफ नहीं लगेगा। वैसे कोई पटना के बाहर है तो उनके लिए क्या है? पटना के बाहर के हैं तो अगर उनका जान पहचान वाला दोस्त यार रिश्तेदार अगर कोई पटना में रह रहा है तो वहाँ का अटैच करके हमको दे दे, हम आगे फॉरवर्ड करवा देंगे। चलिए बहुत लोग का भी है कि पटना में रेंट पे रह रहे हैं, वो चाह रहे हैं बाइक लेना, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए फैसिलिटी है कि अगर वो पटना में रह रहे हैं रेंट पे हैं तो वो किसी यार दोस्त के परिवार का परिचय दे करके या फिर उनका जो भी है डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवा दें तो उनके नाम पे गाड़ी छोड़ी जा सकती है। चलिए भैया तो ये हो गया क्लियर, अगर आपका दोस्त ऐसा है जो अपने नाम पे वो बाइक खरीदवा दे तो भाई वो अच्छी बात है। तो जाइए अपना अपने अपने दोस्त को फटाफट बुलाइए, मनाइए, सीधा आइए शोरूम में, बाइक लेके निकल जाइए। एड्रेस बता ही दिए आप लोग कैसे आपको आना है, और भी ऐसा कुछ जानकारी चाहिए नंबर दिया है, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और भाई वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, बाय बाय।